एक कंफ्यूजन चल रही है जो फॉर्म फिल कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए बीएड के, कमेंट बॉक्स में बार बार पूछा जा रहा है कि जो रूरल एरिया में हमने फिल करना है, यस करना है, नो करना है, उसकी क्लैरिटी क्या है, ये समझ लें। आप देख सकते हो, आप जब फॉर्म फिल कर रहे हो तो ये पॉइंट बार बार कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा है। इस पॉइंट के लिए उत्तर ये दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने रूरल एरिया हो गया आपका, अर्बन एरिया हो गया आपकी, 10th क्लास हो गई और 12th क्लास हो गई। अगर आपने रूरल एरिया से 10th पास की है लेकिन 12th आपने यहां से पास की है, एक अर्बन एरिया से, तो यहां आप नो फिल करोगे। अगर आपने 12th रूरल से की है और 10th अर्बन से की है, फिर भी आप नो फिल करोगे। अगर आपने 10th और 12th दोनों ही रूरल एरिया से किए हुए हैं, फिर आप यहां पर यस फिल करोगे। ये गलती बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि लालच आ जाता है। इसमें एक्स्ट्रा मार्क्स आपको रूरल एरिया के रिजर्वेशन के मिलते हैं, जिससे मेरिट हाई चल जाती है। याद रखना है कि बाद में आपको हर हालत में, ये जो प्रॉस्पेक्टस में लिखा है कि आपको सर्टिफिकेट वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये आप देख सकते हो। यू है दे विल हैव टू सबमिट द सर्टिफिकेट इशू बाय हेड और प्रिंसिपल ऑफ स्कूल स्टेटिंग दैट स्टूडेंट हैज पास्ड 10th एंड 12th, दोनों ही पास किए होने चाहिए, क्लास फ्रॉम हिज स्कूल एंड दैट द स्कूल फॉल इन रूरल एरिया। ये सर्टिफिकेट देंगे स्कूल प्रिंसिपल या हेड, 10th के स्कूल के हेड होते हैं और 10+2 के प्रिंसिपल होते हैं। द सर्टिफिकेट शुड बी काउंटर साइंड बाय सरपंच ऑफ द विलेज। याद रखना है, कई बार गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी DEO के साइन मांगती है। अब इस बात का ख्याल रखना है, अगर आप ये कर सकते हो तभी इस ऑप्शन को, दोनों हो, नंबर एक क्लैरिटी दोनों आपने पास किए हो, और दूसरा ये आप रियली रूरल एरिया में पढ़ते हो, वो कहां से पता चलेगा, स्कूल के प्रिंसिपल से, जहां से 10th और 12th पास की है, और आपके जो सरपंच है या लोकल अथॉरिटी है उससे पहले कंफर्म करके फिर फिल कीजिए, अभी वक्त है, अदरवाइज आप गेड़ में, चक्कर में पड़ जाओगे। कोई और क्वारी है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू।